नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए आज क्लास टेंथ के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो मैं आज आपको समानांतर श्रेणी यानी पांच जो चैप्टर है ना, फाइव चैप्टर, उसका उसमें जो एक्सरसाइज 5.1 है उससे मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, और ये वीडियो का पार्ट नंबर वन है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 5.1 जो है, इसको देखने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और परिभाषाएं जान लेना जरूरी है, क्योंकि किसी भी चैप्टर का अगर कोई भी क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन करने से पहले कुछ उसका बेसिक कंसेप्ट अगर हम नहीं जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र परिभाषाएं नहीं जानेंगे तो हम उसके क्वेश्चन को आसानी से सोल्व नहीं कर सकते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और परिभाषाओं को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला चीज क्या है, हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे समानांतर श्रेणी बोला गया है, तो इसके बारे में जानते हैं कि समानांतर श्रेणी है क्या। तो देखिए समानांतर श्रेणी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको या शॉर्टकट में देखिए यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है, तो इसको शॉर्टकट में आप एपी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो एपी है क्या, समानांतर श्रेणी होता क्या है ये जानिए। तो संख्याओं का वह सूची, मतलब संख्या का एक ऐसा सूची होना चाहिए जिसमें प्रत्येक पद अपने पद के जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो समानांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब बोल रहा है कि संख्याओं का वह सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, तो लिख सकते हैं कि उसे हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, शॉर्टकट में कर सकते हैं, चाहे उसे हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। इसको लिख दीजिए समानांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, उसे हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, तो इसको जानिए। जैसे मान लीजिए कि हमको जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6 ये क्या है आपका, तो ये आपका समानांतर श्रेणी हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें क्या परिभाषा में बोला गया था कि संख्याओं का वह सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब देखिए प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर वो प्राप्त होगा। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पे 2 में कितना बढ़ाया है, 2 बढ़ाया है तो 4 आया। फिर देखिए इसमें कितना बढ़ाया है, 2 बढ़ाया है तो कितना आया, 6 आया है। इसी तरह से मतलब बढ़ते जाएगा, इसमें कितना बढ़ाया है तो 8 आया है तो 2 बढ़ाया है, तो यानी निश्चित एक संख्या जोड़ना होगा। ठीक है, एक निश्चित संख्या अगर बढ़ते जा रहा है तो उसी को हम लोग समानांतर श्रेणी कहते हैं। और एक और तरीका है कि उसको हम अगर देखते हैं तो 2 पदों के बीच का अंतर अगर समान आता है तो वो भी समानांतर श्रेणी कहलाएगा। ठीक है, 2 पदों का अंतर, जैसे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है तो 2 का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 का, इन दोनों के बीच का अंतर 2 का, तो उसको हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जैसे समझ गए हमें। चलिए और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1, 3, 5, 7 ये भी तो आपका समानांतर श्रेणी हो गया। तो यहाँ पे देखिए कैसे, यहाँ पे भी 2 का अंतर, यहाँ पे भी 2 का अंतर है ना, 2 का अंतर, इसलिए ये समानांतर श्रेणी कहलाएगा। तो समझ गए होंगे कि समानांतर श्रेणी क्या है। चलिए इसको मिटाते हैं, जैसे में आप चाहेंगे तो इसको एग्जांपल में आप उतार सकते हैं जैसे में। ठीक है, चलिए नंबर 1, नंबर 2, अब चलिए क्या करना है, इसको मिटा दें, ये एग्जांपल हो गए। अब चलिए हम लोग समानांतर किसको कहते हैं वो देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब आपको बताना है हमको समानांतर श्रेणी क्या है। तो समानांतर श्रेणी क्या होता है, तो देखिए सॉरी सर्वांतर, इसको क्या बोलेंगे, सर्वांतर या पदांतर बोलते हैं। ठीक है, सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो बोल रहा है कि यह निश्चित संख्या एपी का सर्वांतर या पदांतर कहलाती है, मतलब इसमें जो निश्चित संख्या जोड़ा गया था वही वो क्या कहलाएगा, तो उसका समानांतर या पदांतर कहलाएगा। ठीक है, जो संख्या बार बार जोड़ने पर हमारा आता था वही उसका क्या कहलाएगा, समानांतर या पदांतर कहलाएगा। इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, कौन सी से, डी से। और यह देखिए धनात्मक ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, डी का मान मतलब धनात्मक यानी प्लस में और ऋणात्मक
यानी कि आपका माइनस में या शून्य भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये तो पता चल गया, ठीक है, तो इसको आप लिख लिए होंगे आशा करता हूं। अब चलिए आगे बढ़ता हूं, इसको थोड़ा मिटाता हूं। चलिए ये हमारा समांतर से भी पता चल गया आपको, और ये जो होता है आपका समांतर क्या होता है, तो जो निश्चित संख्या जैसे मैं बोला था ना कि 2, 4, 6, 8 इसमें जो निश्चित संख्या जोड़ा जा रहा है, दो जोड़ने पर आ रहा है, तो यही जो निश्चित संख्या है उसका क्या कहलाएगा, तो सर्वांतर कहलाएगा, ठीक है ना। इसको डी से सूचित करते हैं, कि किस चीज से, डी से, डिफरेंस। या ऐसे भी देख सकते हैं दो पदों के अंतर कितना है, दो पदों के अंतर कोई भी दो पद ले लीजिए, ये दो पदों का अंतर 2 है, इन दोनों पदों का अंतर 2 है, इन दोनों पदों का अंतर 2 है, तो ये डी से सूचित किया जा रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो रहा है, यानी सर्वांतर, यानी दो पदों के अंतर को ही सर्वांतर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, डी का मान हमारा 2 आ रहा है, तो इसको हम लोग डी से भी नोट करते हैं, ठीक ना, कॉमन डिफरेंस को सर्वांतर या पदांतर कहते हैं, ये बात समझ गए होंगे। चलिए इसको मिलाता हूँ, चलिए ये समझ गए होंगे। अब चलिए बोल रहा है कि यदि AP के पहले पद को A1 मान लिया जाए, दूसरे पद को A2, इस तरह से तीसरे को A3 ऐसे बढ़ते जाएगा, और लास्ट वाला Nवें पद को क्या दर्शाएंगे, N अगर मान लिया जाए, और समांतर को क्या कर दिया जाए, D, पहले भी बताया था, व्यक्त करें तो AP बराबर क्या हो जाएगा, यानी समांतर से D बराबर A1 A2 A3 कहां तक, N तक, AN तक होगा, ठीक है, इतना होगा, ठीक है, ये बात समझ गए। और यहाँ पे देखिए ये दो पदों के बीच का अंतर, ये देखिए दो पद है ना, A2 - A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, इस तरह से डॉटर पढ़ते जाएगा, और कहाँ तक, यानी कि देखिए यहाँ पे A है ना अंतिम, तो इस अंतिम में से उसके ठीक एक कम, हमेशा देख रहे हैं ना, यानी कि उसके जो बाद वाला पद है उसके ठीक एक पहले, दूसरे पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी इससे एक ई कम हो रहा है, तो यहाँ पे एन है, एन, तो ये एन माइनस वन होगा, इसको हम क्या दर्शाएंगे, डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये दो पदों के बीच का अंतर निकालने का सूत्र है A2 - A1, ठीक है। एपी का व्यापक रूप क्या होता है, A, A+D, A+3D, ये कैसे होगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए 3, 6, 9, 12, देखिए एपी हम उसी को कहेंगे, समांतर श्रेणी उसी को कहेंगे जिसमें हमारा जो एक निश्चित संख्या जोड़ने पर वो प्राप्त होता है, अलग 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 संख्या जोड़ने पर प्राप्त होगा तो एपी नहीं होगा, या इसको याद रखिएगा। देखिए इनमें हम 3 जोड़े हैं तो 6 आया, इसमें भी 3 जोड़े हैं तो 9 आया है, इसमें भी 3 जोड़े हैं तो 12 आया है, तो ये हमारा एपी है, ठीक है। अगर इसी तरह से बोलते हैं 1, 4, 5, 6, अब देखिए इसमें 3 जोड़ने पर आ रहा है, इसमें देखिए ना कितना, 1 जोड़ने पर आ रहा है, अलग हो गया कि नहीं, ये एपी में नहीं होगा, ठीक है, समझ गए होंगे, एपी हो गया। अब बोलिए अब यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि अगर आपको डी निकालना हो, समांतर निकालना हो, तो A2 - A1 फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी डी का फॉर्मूला क्या होगा, A2 - A1, ठीक है, ये डी निकालने का फॉर्मूला है, या A3 - A2 इस तरह से, या इसको लोग ऐसे भी बोलता है T2 - T1, ये ध्यान में रखिएगा कि डी निकालने का फॉर्मूला A2 - A1 T2 - T1, ठीक है, ये हो गया सूत्र, ठीक है। और व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप क्या होता है, A, A+B, A+2B, A+3 कैसे होता है, तो देखिए पहला पद ए लिख दिया है, उसमें क्या क्या है, इस ए में क्या करना है, डी का मान जोड़ना है, यानी कि कितना अंतर है, डी का मान देख रहे हैं ना, 3, 3, 3 का अंतर है, 3, 3 को बढ़ाना है, इसमें देखिए इसमें 3 बढ़ाएंगे तो 6 आएगा, यानी A+D किए हैं, फिर यहाँ पे देखिए A+2D, मतलब इसमें हम डबल जोड़े हैं ना, यानी कि A, A+2D, A+3D ऐसे करने पर हमारा क्या आएगा, ये AP प्राप्त हो जाएगा, AP का ये व्यापक रूप होता है, यही सूत्र होता है, आगे इसका यूज है, मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है, एग्जाम्पल से। तभी फिलहाल में आप याद रखिएगा कि AP का ये एग्जाम्पल हो गया, और D निकालने का ये सूत्र हो गया, ठीक है ना, ये D निकालने का फॉर्मूला है कि D A2 - A1 या T2 - T1, ठीक है, और AP का व्यापक रूप ये सूत्र याद कर लीजिएगा, A, A+D, A+2B, A+3D, ठीक है, और कोई भी AP का रूप जो होगा इस तरह से AP का होगा, A1, A2, A3, AN तक, इसको लोग ऐसे भी बोलता है एक तरह से, और उसको भी देख लीजिए, जैसे AP का इस रूप में भी लिखा जा सकता है T1, T2, ठीक है, T3, कहाँ तक, TN तक, इस रूप में भी लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा इसको कि इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है,
इस रूप में या इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए टी टू माइनस टी वन, यहाँ पे वही तो बात बता रहा हूँ, डी निकालने का दो तरह से फॉर्मूला हो सकता है कि टी टू माइनस टी वन और ए टू माइनस ए वन, ठीक है, समझ गए होंगे इतना। चलिए अभी सबको मिटाता हूँ, आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया महत्वपूर्ण सूत्र। अब देखिए एपी के प्रकार होता है दोस्तों, तो एपी का प्रकार होता है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एपी के प्रकार भी बता देता हूं, एपी के प्रकार प्रकार दो प्रकार के होता है, कौन कौन सा, तो आपका ये होता है परिमित एपी, परिमित एपी, एपी के मतलब समांतर श्रेणी, ठीक है। तो परिमित एपी, दूसरा होता है अपरिमित एपी, दूसरा अपरिमित एपी, ठीक है। तो परिमित एपी क्या होता है और अपरिमित एपी क्या होता है इसको देखिए। तो परिमित एपी क्या होता है, तो देखिए आपका परिमित एपी, तो इसमें जो होगा कोई भी जो संख्या होगा, जैसे मान लीजिए एक तीन पांच सात, ठीक है, बढ़ते जा रहा है कितना तक, मान लीजिए एक तीस तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, निश्चित पता चल गया कि एक तीन पांच सात बढ़ते बढ़ते क्या तक गया है, एक तीस तक, तो ये परिमित हो गया, मतलब ये क्या हो गया परिमित। और अपरिमित में जैसे देखिए मान लीजिए दो चार छह डॉलर कितना तक, मान लीजिए यहाँ पे सौ तक गया, नहीं यहाँ पे डॉलर करके छोड़ दिया, यानी कि ये अपरिमित हो गया, यानी कि इसमें पदों की संख्या इसमें निश्चित नहीं है। वह एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उसे हम क्या कहेंगे, परिमित एपी, और वह एपी जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो उसे अपरिमित एपी कहते हैं। वही लिख देना है, आप इसका परिभाषा लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि वह एपी जिसमें पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, पदों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित एपी कहते हैं, एपी कहते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि परिमित एपी किसे कहते हैं, वह एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित एपी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बताया आपको कि एक तीन पांच सात डॉलर और कितना तक, एक तीस तक, तो ये परिमित हो गया। जैसे मान लीजिए और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए दो चार छह डॉलर कहाँ तक ले, तो मान लीजिए सौ तक पढ़ना है, तो ये हमको तो पता चल गया ना। यहाँ पे देखिए इसको तो इसका तो हमें पता चल गया है, जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, इसको आप मान सकते हैं पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे जो है आपका एक से लेकर बढ़ते जा रहा है कितना तक, इकतीस तक, यहाँ पे कितना बढ़ते जा रहा है, दो चार छह करना सौ तक, तो ये परिमित हो गया, यानी कि हमको पदों की संख्या पता चल गया है कि कहाँ तक ले इसका निश्चित है, कहाँ तक ये बढ़ा बढ़ सकता है, कहाँ तक ले इसका अंत जो संख्या है अंत तक का पता चल गया है, इसलिए ये पदों की संख्या निश्चित है, ठीक है, इसलिए इसको परिमित एपी। अब आप परिमित एपी इसी तरह से उल्टा कर देना है, वह एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो उसे अपरिमित एपी कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसका अपरिमित एपी का हो गया, जैसे मान लीजिए दो चार छः आठ और कितना, वही तो पता नहीं है मुझे, जैसे और भी एग्जाम्पल जैसे तीन छः नौ डॉलर, ये भी नहीं पता, लेकिन ये तो बढ़ते जा रहा है और मतलब ये कहाँ तक ले बढ़ते जा रहा है ये निश्चित नहीं है, इसलिए इसको हम लोग अपरिमित एपी कहें, ठीक है, और इसमें निश्चित पता चल गया है इसलिए हमें इसको परिमित एपी कहते हैं। समझ आ गया परिमित एपी और अपरिमित एपी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस पर क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, इतना ही कंसेप्ट है, 5.1 जो चैप्टर है ना इसमें आपको इतना ही कंसेप्ट पढ़ना है, ठीक है, समझ गए आपके। चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5.1 का है। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं का की सूची एपी है और क्यों, मतलब इसको ये जो सूची ये दिया गया है संख्याओं का जो स्थिति दिया गया है ना, तो किस किस स्थिति में जो सूची में दिया गया है एपी में है ये, ठीक है, और है तो क्यों है ये आपको बताना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए क्या है किराया 15 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो प्रथम दे दिया है कि प्रथम किलोमीटर, ठीक है, प्रथम किलोमीटर का टैक्सी का किराया ठीक है, टैक्सी का किराया कितना रुपया है, 15 रुपया है, और बोल रहा है कि प्रत्येक ये तो 15 रुपया है, और बोल रहा है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया लग रहा है, मतलब और इसके आगे जाइएगा तो 8 रुपया बढ़ते जाएगा। तो मान लीजिए दूसरी किलोमीटर अगर बोला प्रत्येक की बात बोला है, एक के लिए 8 दूसरी के लिए थोड़ा क्या बोला है प्रत्येक किलोमीटर में कितना 8 रुपये बढ़ाना है, दूसरी किलोमीटर में अगर जाना है तो प्रथम हो गया, अगर दूसरी जाना है तो पहली किलोमीटर का हो गया, इसको हम पहली लिख देते हैं पहली किलोमीटर, ठीक है, और दूसरी दूसरी किलोमीटर का टैक्सी किराया कितना हो जाएगा, इसमें 8 बढ़ जाएगा तो 15 8 कितना हो गया 23, ठीक है, इतना रुपया। फिर तीसरी जाएगा, तीसरी किलोमीटर जाएगा तो कितना हो जाएगा 23, 8 कितना हो जाएगा 8 31, ठीक है। तो इसी तरह से आगे, ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एपी बराबर एक सूची तैयार हो गया, कितना पहला 15, दूसरा 23, तीसरा 31, ऐसे बढ़ रहा, ठीक है। अब ये जो सूची है एपी में है कि नहीं ये आपको बताना है, ठीक, ये तो समझ गए हमको। चलिए ऊपर से मिटाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको क्या करना है, ऊपर से मिटाता हूँ, अब देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू ये तो पता चल गया कैसे मैंने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो गया, प्रथम पद को ए बोलते हैं, देखिए पहला है ना उसको ए बोलते हैं, और डी कैसे निकालते हैं, तो देखिए डी कैसे निकालते हैं, डी देखिए इसमें हमारा ये प्रत्येक दो पदों का अंतर जो होता है समान होना चाहिए, तभी हम लोग मतलब एपी होगा, नहीं तो एपी में नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं, तो मान लीजिए पहला हम डिफरेंस निकालते हैं, पहला 23 में से क्या होता है फॉर्मूला 8 2 - 7 होता है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 23 - 15 कितना रहा 8, या मान लीजिए हम दूसरा डिफरेंस भी निकालते हैं D2 भी निकाल लेते हैं, तो मान लीजिए ये किसका सूत्र हो गया ये, ठीक है, तो दूसरा पद कितना है, तीसरा पद कितना है 31 माइनस कितना हो गया 23 कितना है 8, तो देख रहे हैं प्रत्येक बार हम डी का मान आप निकाल रहे हैं तो प्रत्येक बार डी का मान कितना आ रहा है 8 ही ना आ रहा है, इसलिए ये एपी में है, लिख दोगे चलिए दोगे, चूंकि यहाँ पे लिख देता हूँ, चूंकि D1 D2 ठीक है ये तो बराबर आ रहा है ना, D1 D2 और भी आगे निकालेंगे तो वो भी बराबर ही आएगा, तो बराबर है, इसलिए क्या है यह एपी में, यह एपी में है, बस हो गया एपी में, यही आपको बनाना था, ऐसे ही करना था, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है, मिटा दें इसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए 1 का 2 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कहा जा रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे हम, तो मान लेते हैं माना कि शुरू में जो था, ठीक है, माना कि शुरू में बेलन ने हवा
की मात्रा कितना है, चाहे हवा का आयतन मान लीजिए चाहे मात्रा मान लीजिए, आयतन ही लिख देता हूँ, आयतन को ही और भी है, ठीक है। शुरू में बेलन में हवा कितना है, मात्रा भी है यानी आयतन भी है, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक बार क्या हो रहा है, देखिए प्रत्येक बार बेलन से इतना भाग बाहर निकल जाता है, प्रत्येक बार, ठीक है, बेलन से एक बटे चार भाग क्या हो रहा है, हवा बाहर निकाल देता है, तो क्या हो जाएगा। इसलिए देखिए तो पहली निष्कासन, जैसे पहले बार निकाल देंगे, पहली निष्कासन ठीक है, निष्कासन इसको यहाँ पे ये समझिए, पहली निष्कासन के बाद बेलन में उपस्थित हवा कितना हो जाएगा, हवा का आयतन क्या हो जाएगा। देखिए पहली बार अगर हम इसको इसमें से निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, इस भी ये जो था इसी का एक बटे चार भाग, मतलब ये जो भी था इसका एक बटे, इसी भी का एक बटे चार भाग का मतलब गुना हो गया। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी चार में भी से तो चार भी माइनस एक भी में एक से तो भी हो गया बटे चार, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो थ्री भी बटे फोर, ये पहली बार आया। इसी तरह से दूसरी बार, दूसरी निष्कासन के बाद में क्या हो जाएगा, बेलन में उपस्थित हवा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे उसी तरह से दिखेंगे तो देखिए ये जो आया है इसका इतना ही का चार भाग, तीन भी बटे चार का कितना भाग, एक बटे चार भाग, ठीक है। तो जितना मतलब जो बताया गया है यहाँ पे देखिए शेष का चार भाग, जो शेष जो इतना आया हमारा इसी का एक बटे चार भाग, इतना उन्हें एक बटे चार के लिए। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे उसको, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करते, देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे तीन भी बटे चार, तीन भी बटे चार कॉमन मिल जाएगा, तो देख लीजिए तीन भी बटे चार कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा वन माइनस, यहाँ पे ये कॉमन हो गया तो एक बटे चार बचा। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए इसको कैलकुलेट करिएगा तो तीन भी बटे चार, और इसको देखिए कितना आएगा, चार में से एक घटा तो तीन बटे क्या है चार। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हो गया, तो तीन बटे चार, तीन बटे चार, ठीक है, एक भी है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तीन बटे चार का स्क्वायर भी, ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आगे बढ़िएगा तो क्या होगा, ये हो गया आपका दूसरी, इसी तरह से तीसरी निकालिएगा, तो देखिए ऊपर मिटाता हूँ, देखिए अब ऊपर देता हूँ, ये हमारा क्या है दूसरी, अब लिखूंगा तीसरी, तीसरी निष्कासन के बाद कितना हो जाएगा, तो देखिए कितना आया है, इतना का माइनस करेंगे ना, तो इसको भी अगर इसी तरह से आ जाएगा, देखिए तीन बटे चार, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा इनटू बी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा तीसरी, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, तो इसी तरह से आगे तीसरी हो जाएगा, तीसरी भी हो गया, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा, है ना, इसी तरह आगे बढ़ेगा, तो अब एपी क्या हो जाएगा, इसलिए एपी क्या हो जाएगा, देखिए तब इसको हम मिटाते हैं, इसमें शुरू में आयतन आपका शुरुआत क्या है भी, याद रखिएगा, इसलिए एपी हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भी, दूसरा क्या है पहली में तो ये आ गया ना, पहला में हमारा कितना आया है, तो पहली में आपका जो आ गया है आपका भी आ गया, भी आया है, दूसरी में क्या हो गया, दूसरी निष्कासन के बाद हमारा कितना है तो थ्री भी बटे चार, तीसरी में क्या आया है थ्री बटे फोर इसका होल स्क्वायर इनटू भी, इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते जाएगा। तो अब हम चेक करेंगे कि ये भी में है कि नहीं, तो थोड़ा इसको मिटाता हूँ, देखिए मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया,
इसी तरह से आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर एक डी निकाल लीजिए, मान लीजिए डी वन, इसको में से इसमें से घटाइए तो थ्री डी माइनस फोर है डी, इसको कैलकुलेट करिएगा तो क्या हो जाएगा चार लोग उत्तम, तो यहाँ पे तीन डी माइनस यहाँ पे चार लोग बी, तो चार बी बट कितना आएगा माइनस डी बटे फोर, यह है डी डी वन का मान। अब मान लीजिए अगर आप डी टू के मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो क्या होता है मतलब देखिए ये दूसरा पद माइनस पहला पद किया हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि d1 बराबर क्या हो गया t2 माइनस t1, चाहे a2 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा t3 माइनस t2, यानी तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म, कैलकुलेट करिएगा तो देखिए तीन बटे चार दोनों में कॉमन मिल रहा है, भी मिल रहा है, लिख लीजिए तीन बटे चार भी कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा देखिए इसमें तो एक बच जाएगा तीन बटे चार अभी तो बाहर आ गया है, इसमें तो पूरा कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा इसको कैलकुलेट करिएगा तो देखिए तीन बी बटे चार, इसको देखिए तो चार और तीन में से चार तो माइनस एक बटे चार आएगा, अब इसको गुणा करिएगा तो देखिए चार चार का सोलह माइनस हो गया तीन, तो ये डी वन का मान आ गया, ये डी टू का मान है, ठीक है देख देख, तो यहाँ पर देखिए डी वन का मान जो आ रहा है वो अलग है, डी टू का मान अलग हो गया, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि चूंकि डी वन नॉट इक्वल टू डी टू, ठीक है अतः यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, अलग अलग मान आ रहा है तो एपी में नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू वेरी मच, मैं अगले पार्ट में इसके अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर आऊंगा।